नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मथुरा में एक महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है कि महिला का आरोप है पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की है। साथ ही महिला का आरोप है कि पुलिस उससे केस वापस लेने का दबाव बना रही है, जिसको लेकर महिला एसएसपी अभिषेक यादव के आवास पर धरने पर बैठी हुई है। आज से 3 महीने पहले मेरी गाय खोई थी, जिसकी शिकायत मैंने 112 नंबर पे दी। सूचना तो 112 नंबर वाले आए, कहा कि आप चौकी पर आइए, चौकी पर आकर अपनी समस्या बताइए। मैं चौकी पर गई तो चौकी वालों ने कहा कि आप गाय के बछड़े को लेके आइए। मैं गाय के बछड़े को लेके गई तो मेरे से बोला यहाँ बहन जाइए, जैसे आपकी गाय की पहचान होगी तो हम आपको बुलवा लेंगे। तो मैं उससे 5-6 दिन बाद गई, मैंने कहा भाई मेरी गाय की पता चला या नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपका बछड़ा तो हमने गौशाला बेच दिया और आपकी गाय का तो हम पता जब बताएंगे कि आप जो पुलिस वालों के खिलाफ केस चल रहा है उसे वापस ले लो। तो पिछले 9 दिनों से विकासखंड नारायण बग्गड़ के पालछुनी गांव में आयोजित हो रहा नवरात्र प्रात काल से ही मंदिर में पूजा अर्चना और हवन यज्ञ हरियाली वितरण और ब्रह्म भोज के साथ ही संपन्न हो गया। आपको बता दें कि पालछुनी गांव में चल रहा नवरात्र के 10वें दिन मां राजराजेश्वरी भगवती दुर्गा और देवी देवताओं के सभी श्रद्धालुओं और ग्राम क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद देकर हरियाली वितरण किया। और इस समय ही आपको बता दें कि इसी के साथ प्रातः काल में ही मंदिर में पूजा अर्चना और हवन यज्ञ का कार्यक्रम चला, जिसमें पीड़ितों ने मंत्रोच्चार किया और सभी की खुशहाली की कामना भी की है। कि आप हमारे साथ 9 दिनों तक लगातार बने रहे और आज हमारे यहाँ कल नवरात्र समाप्त हो गए हैं और आज हमारे यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया है और इसमें ब्रह्मभोज का भी आयोजन होता है। महिला मंगल दल का एवं युवक मंगल दल का यहाँ पर समस्त बुजुर्गगण महिलाएं एवं नागरिक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना पूरा सहयोग नवरात्रों में दिया और सभी समस्त क्षेत्रवासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के वो हमारे पालछुनी में आए एवं सहयोग दिया। टेहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने ही जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की है। आपको बता दें कि चिन्याली सोड़ और इसके साथ ही UJVNL निरीक्षण भवन में ही आयोजित बैठक में सांसद ने केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की है। अधिकारियों को विकासात्मक कार्य में भी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सांसद ने पहले हुई समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों को लेकर भी जानकारी ली है। पौड़ी गढ़वाल के ही चोबट्टा खाल के विधानसभा के बेजरो क्षेत्र के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सवार थे। तेज रफ्तार मैक्स अचानक बुआ खाल मोटर मार्ग 309 पर ही पंचपुरी पुल के पास अनियंत्रित होकर न्यार नदी की ओर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गया। वाहन में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। हादसे में 4 को गंभीर चोटें आई हैं और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र बीरोखाल पहुंचाया गया। यहां घायलों का प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया और बीरोखाल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सुधीर ने बताया है कि मैक्स में सवार तीनों अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर थे। सभी को गंभीर चोटें लगी हैं और सभी खतरे से बाहर हैं। गाड़ी वापस आ रही थी तो गाड़ी में हमारा एक ड्राइवर था प्रवीण, अच्छा, और 2 डॉक्टर थे, एक लेडी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर माधुरी और मेल में थे डॉक्टर अमन, अच्छा, और एक हमारा नर्सिंग स्टाफ था पूजा। तो वही बैजरो पुल पे मे बी गाड़ी इनकी एक्सीडेंट हो गई। फिर बाद में हम लोग वहाँ से गए और सब वहाँ के लोगों ने भी बहुत हेल्प की, लोकल लोगों ने रेस्क्यू किया इनको सबको और टाइम से हॉस्पिटल पहुँचाया। और अभी पूजा को थोड़ा चोट ज़्यादा थी, उसका फीमर टीबिया सब फ्रैक्चर लग रहा था तो उनको हमने रामनगर दिया। बाकी जो हमारा ड्राइवर है वो भी अभी बेहोश है।
सितारगंज मैग्नेसाइट लिमिटेड ने ही अल्मोड़ा जिले में कल्याणपुर में बसाए गए विस्थापित परिवारों ने भूमि का मालिकाना हक की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अल्मोड़ा में भूमि के बदले की कल्याणपुर में ही उन्हें भूमि दी जाए। और आपको बता दें कि जिस वजह से भूमि पर उनका मालिकाना हक बनता है, ऐसा उनका कहना है, विस्थापितों ने पुनः बंदोबस्ती प्रक्रिया का भी विरोध किया है। इसको लेकर कल्याणपुर के ही विस्थापित परिवारों के लोग उप जिला अधिकारी कल्याण कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने एसडीएम की मांग पत्र सौंपकर कहा कि वे 50 साल से कल्याणपुर में ही खेती करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भूमि पर मालिकाना हक नहीं मिल रहा, जिसको लेकर अल्मोड़ा जिले में ही उनकी पुश्तैनी भूमि लेकर ही कल्याणपुर में 175 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी और बदले की भूमि देने के बाद भी 5 दशक से उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने चुपचाप दोबारा बंदोबस्ती प्रक्रिया की रिपोर्ट तैयार की है, जिसका वो विरोध करते हैं। मालिकाना हक के विषय में साहब से मिलने आए थे। 1972 से हमें बागेश्वर से यहाँ पे विस्थापित कर दिया गया है, जो कि हमारी भूमि अभी तक भूमिधर नहीं करी गई है। इसी विषय में आज हमने साहब को ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द हमारी इस ज्वलंत समस्या का समाधान किया जाए। इसमें यदि यह नहीं होता है, क्योंकि आज हमारे माननीय मंत्री जी दोनों जगह के, सितारगंज के भी और बागेश्वर के भी दोनों मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी के खास करीबी हैं, यदि यह समस्या का समाधान नहीं होता हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। श्रीनगर गढ़वाल में एसएसबी उप निरीक्षक सीधी भर्ती का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जवानों ने देश सेवा और शपथ के साथ साथ ही एसएसबी के कई अभिन्न अंग बने हुए। इनमें हरियाणा में भी सबसे अधिक 17 और बिहार में 7, उत्तर प्रदेश 9 और मध्य प्रदेश 1, उत्तराखंड 8, राजस्थान 8, हिमाचल प्रदेश 1 और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल 1, मणिपुर 1, झारखंड 2 और दिल्ली से 9 जवान शामिल है। एसएसबी रानीखेत के ही आईजी चेंस केसिंग बतौर मुख्य अतिथि इन जवानों के दीक्षांत समारोह में मौजूद रहे। आईजी ने जवानों की सलामी ली है। इसके बाद नव आरक्षियों को देश की रक्षा और कर्तव्य के पालन के लिए शपथ दिलाई गई। तो आपको बता दें कि जहां पर श्रीनगर उप निरीक्षक भर्ती का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, एसएसबी को 64 नए उप निरीक्षक मिले हैं। बता दें आपको, श्रीनगर से खबर है जहां पर भर्ती समारोह आयोजित किया गया। हमारा एसएसबी की स्ट्रेंथ को जोड़ दिए, अच्छा है, इससे हमारा सीमा की सुरक्षा बेटर करेंगे। इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकली सिक्योर इन द कंट्री, साथ साथ हमारा पॉपुलेशन को भी इंटीग्रेट करना, जो बॉर्डर में थोड़ा सा लूज रहते हैं ये चीज़ को इंटीग्रेट करके हमारा लिए इट इज फॉर द कंट्री, इट इज अ बेनिफिट। पौड़ी जिले के चोबट्टा खाल विधानसभा के विधायक और प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के सांस्कृत लोक पर्व इगास बगवाल पर्व बूढ़ी दिवाली पर शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों को ही अपनी संस्कृति से जुड़ने के साथ साथ उत्साह और उमंग के साथ ही मनाने का अनुरोध भी किया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गढ़वाल में दीपावली त्यौहार के 11 दिन के पश्चात बगवाल गास बनाने की प्राचीन परंपरा है और प्रदेश सरकार ने इस लोक पर्व की महत्ता और पौराणिकता को ही देखते हुए इस बार बगवाल गास पर सार्वजनिक आवश्यक घोषित किया है, अवकाश जो है वो घोषित कर दिया गया है सार्वजनिक। नमस्कार, उत्तराखंड के सांस्कृतिक लोक पर्व इगास बगवाल पर्व पर समस्त प्रदेशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में दीपावली त्यौहार के 11 दिन के पश्चात बगवाल इगास बनाने की प्राचीन परंपरा है। प्रदेश सरकार ने इस लोक पर्व की महत्ता एवं पौराणिकता को देखते हुए इस बार बगवाल इगास 4 नवम्बर को सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। पहाड़ की लोक संस्कृति से जुड़े इगास बगवाल पर्व के दिनों घरों में साफ सफाई होती है,
और उसके बाद लोग मीठे पकवान बनाते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जालौन में मोहर्रम खदानों के शुरू होते ही खनन माफिया बेखौफ हो गए हैं। आपको बता दें कि इन खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्होंने चेकिंग कर रहे आरटीओ को ही परिवर्तन की गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की है, जिसमें आरटीओ परिवर्तन बाल बाल बच गए हैं। बताया जा रहा है कि पहले भी एसडीएम माधोगढ़ और चौकी इंचार्ज बगरा पर चेकिंग के दौरान हमला कर दिया जा चुका है, जहां कई किलोमीटर पीछा करके चालक को ट्रक के साथ पकड़ा गया था। साथ ही इसमें ड्राइवर और क्लीनर मौके पर फरार थे और अब इसको लेकर ही एआरटीओ प्रबंधन विनय पांडे की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला पुलिस में दर्ज ही नहीं हुआ है। लोगों को सूचना मिली थी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे कुछ गाड़ियां ओवरलोड निकल रही हैं। उसी के आधार पे छिरियाकट से हम लोग शूटिंग के लिए चढ़े हुए थे। जैसे ही ऊपर गए तो एक ट्रेलर दिखा यूपी 79 नंबर का, जिसपे आगे के नंबर पे ग्रीस लगा रखा था। तो उसे रोकने का जब प्रयास किए तो ड्राइवर ने पहले तो गाड़ी को इधर उधर लगाने के लिए दाएँ बाएँ कर रहा था। बाद में जब हमने गाड़ी को आगे अपने बढ़ा करके हमारे सिपाही ने इशारा किया तो वो सीधे ड्राइवर ने कहा कि अगर नहीं हटाएंगे तो मैं गाड़ी को निकाल आपको धक्का मारते हुए टक्कर मारते हुए निकालूंगा। गोरखपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ यातायात पुलिस चालक की कार्रवाई कर रही है, और लेकिन यातायात पुलिस ने मनमाना चालान की वजह से ही अब आम आदमी मुखर होता हुआ नजर आ रहा है। संत कबीर नगर की बात करें तो वहां का रहने वाला युवक मदन मौलक का ही मोहन का कल यातायात पुलिस ने 2000 का चालान कर दिया, और उसके चालान कटने के बाद ही अपने चालान से आहत मदन मोहन ने आज अंबेडकर चौराहे पर सड़क के बीच में ही बैठकर प्रदर्शन करने लगा और फपक फपक कर रो भी रहा था। ये देखकर आसपास से गुजर रहे लोग जब उसके पास जाकर पूछा तो उसका दर्द आंखों से ही झलक पड़ा। मदन मोहन का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस गैर जनपद के वाहनों का मनमाने तौर से चालान कर रही है। मेरा नाम मदन मोहन है। कहाँ के रहने वाले मदन मोहन जी? अच्छा, क्यों आप यहाँ सड़क में बीच में क्यों बैठे हैं? कल 2 बजे लगभग मेरा जो है चालान काट दिया गया, ये बता के कि आप मतलब उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हेलमेट पहना हुआ था, एकदम राइट साइड से गाड़ी एकदम राइट साइड से गाड़ी लेके जा रहा था, और वहाँ पे जैसे लेफ्ट साइड से लोगों को जाने का रास्ता दिया जाता है। पूरा लेन भरा हुआ था, दो ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे। मैं आया वैसे लेफ्ट साइड जैसे मोड़ा और उसके बाद दो उंगली निकाली, 2000 का चालान कर लिया था। कितना भी था, लगभग 10 मिनट का रुका था, चालान किया इसलिए काटा गया, लेकिन कुछ नहीं पता है। मैसेज आया है कि आपका 2000 रुपये का चालान कर गया। गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र के पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो कर्ज चुकाने के लिए बैंक में रिवॉल्वर लेकर डकैती डालने के लिए घुस गया था। हालांकि बैंक के एक कर्मचारी की सूझबूझ से ही हड़बड़ाकर वो रुपए से भरा बैग बैंक में ही छोड़कर आरोपी वहां से फरार हो गया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने इसे 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इसके पास से एक रिवॉल्वर, 32 बोर और एक चाकू बरामद किया है। बता दें कि अभियुक्त जलालुद्दीन खान पेशे से ही MR के कार्यकर्ता है और 10 सालों से वो एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा है। बड़े फार्मों में दवा खरीद कर ये छोटे फार्म को दवा बेचता था, और जिस कंपनी में ये काम करता है वहाँ इसे 40,000 रुपये महीने सैलरी मिलती है, लेकिन बैंक और कुछ अन्य कर्ज में डूबे होने के कारण इसने फिल्मी स्टाइल में शाहपुर थाना क्षेत्र के बंधन बैंक में लूट करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना शाहपुर द्वारा एक अच्छी सफलता हासिल की, जिसमें उन्होंने एक बैंक लूटने के प्रयास करने वाले व्यक्ति जलालुद्दीन खान पुत्र अहमद अली निवासी जंगल नका नंबर 1 यादव टोला थाना चिलवाताल को गिरफ्तार किया है।
ये व्यक्ति कल 4:30 बजे के आसपास बंधन बैंक गया, वहाँ पे इसने एक रिवॉल्वर निकाल के एक थैला फेंका कैशियर की तरफ और उसको बोला कि इसमें सारा पैसा डाल दीजिए। इतने में वहाँ मौजूद एक बैंक बॉय ने, जो कि गेट के पीछे था, उसने बजर बजाया, उससे अलार्म एक्टिवेट हुआ और अलार्म एक्टिवेट होने पर वह व्यक्ति भाग गया। उल्लेखनीय है कि यह व्यक्ति एक BSC धारक है और ये एक बैंक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर MR का काम करता है। वहाँ पर उस करीबन 9 से 10 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। बस्ती में ट्रेलर ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया है और जिससे तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मामला NH का है, जहां पर सड़क हादसे में 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई है। तीनों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर अयोध्या जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।